ऐसा लग रहा है व्रत भाई ने रखा और बाबा भी व्रत खुलवाए थाली लेके कर ये देखो ये चांद लेके जा रहा है भाई चांद लेके जा रहा है चांद 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 फोटो खींचूंगा ये देखो मुझे तो कहीं पे भी चांद नजर नहीं आ रहा है वो लाइट है वो लाइट है चांद नहीं है कहाँ पीला पीला हो रहा है यही रूम में तैयार होते बड़ी वाली भाभी के तो ये ऊपर रेंट पे रहती है भाभी इनका भी मेकअप और हेयर स्टाइल मैंने ही किया था तो ये देखो तो ये बड़ी वाली भाभी को अब तैयार कर रही हूँ मैं इनका हेयर स्टाइल बना दिया पहले अब फिर मैं बाद में मेकअप करूँगी इनका तो माइंड मत करना ये वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है क्योंकि लॉन्ग हो जाती काफ़ी तो एडिट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती तो ये देखो और पीछे भाभी को तैयार कर दिया पहले उनको ही तैयार कर दिया था तो वो रील बनाने में लग गई तो ये देखो बच्चे भी काफ़ी हो गए थे तो भीड़ सी हो गई थी थोड़ी कोई नहीं बट धीरे धीरे सब तैयार हो गए थे तो ये भाभी को मांग टीका लगवाना तो लगा दिया मैंने जूड़ा इनका बहुत अच्छा बना था तो जूड़े की पिक ले ली थी मैंने तो देखो आप कैसे किया मेकअप मैंने तो ये आई शेडो लगाया पहले मैंने नॉर्मल जो भी ठीक लगा साड़ी के अकॉर्डिंग वो लगा दिया मैंने तो धीरे धीरे मैंने मेकअप कर दिया इनका भी ये मेरी छोटी भाभी है सेकंड नंबर की तो इनका भी मेकअप किया मैंने और हेयर स्टाइल वगैरह भी किया तो शाम हो गई थी काफ़ी तो कथा होनी थी इसलिए सब तैयार हो रहे थे आपने तो सुना ही होगा करवा चौथ में जो कथा होती है दिन में फिर सूर्य को जल चढ़ाते हैं जो भी रखते होंगे उनको पता होगा तो ये तैयार हो रहे थे तो देखो आप कैसे मैंने इनको तैयार किया मेरी भाभी हो गई है तैयार तो मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ टिप टॉप हो गई हूँ तो अब जा रहे हैं ऊपर तो ऊपर अभी बहन बुला के गई है ऊपर कथा हो रही है तो हम जा रहे हैं ऊपर ये भी ले तो ऊपर कथा हो रही है तो हम जा रहे हैं हॉल में तो वहाँ पे सब आ गए हैं इसको नहीं मार सकता यमराज की बात सुनकर करवा बोली यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी करवा की यह बात सुनकर यमराज अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करवा माता की और सर आपस से मेरी अंगूठी दे देना बेचना नहीं है किसी को भी जुगाड़ू होती है औरतें देखो बाल्टी में कर दिया नीचे पानी को बहने भी नहीं दिया पानी बहाना नहीं चाहिए ये देखो भाई ने ऊपर चढ़ा दिया इसको ये बच्चा नीचे नहीं उतर रहा है नीचे उतर जा खीर बन चुकी है अभी ये पूरी बन रही है और ये सब्जी बन चुकी है और ये बैठा है यहाँ पे साथ में सब्जी भी बन गई है आपको बता दूं मैं यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई है कि दिन में तो सूरज नहीं निकला जो सूरज को जल चढ़ाते हैं वो चढ़ा दिया ऐसी
और अभी चांद का वेट करते करते चांद भी नहीं निकला है, 9 बज गए हैं और बारिश इतनी तेज हुई है, कई जगह तो पानी भर गया है। तो मैंने काफी टाइम बाद किया, मैंने पहली बार ऐसा करवा चौथ देखा है जिसमें चांद की जगह बारिश हो रही है। तो सब भाभी तो सोच ही रहे हैं क्या किया जाए, उन्हें पता नहीं है कि अगर चांद ना निकले तो क्या किया जाए। पूछा है किसी से तो वो आंटी बताएंगी कि मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी हाथों पे, भाभी के लगाई थी तो मैंने भी लगा ली थी, ये पीछे मैंने काफी टाइम पहले लगाई थी ऐसी, और ये देखो ये लगाई थी मैंने मेहंदी, अच्छी है ना, चरखी सी छोटी सी लगा ली थी मैंने। ये देखो मुझे तो कहीं पे भी चांद नजर नहीं आ रहा है, वो लाइट है, वो लाइट है, चांद नहीं है। कहाँ पीला पीला हो रहा है, लेकिन पता नहीं निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है चांद। ये देखो ये दुल्हनिया बन रही है दोबारा से, ये देखो इधर ये तैयार हो रही है। ये सब कपड़े चेंज कर करके घूम रहे थे, अभी देखो ये बहू बन गई है ये। ये देखो ये सब तैयार होके घूम रहे, ये देखो इतनी खुशी चांद निकलने की, चांद निकला ही नहीं। इस लड़के ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसने करवा चौथ का व्रत रखा है। इसने खाना चाहिए, चांद तो निकलने थे, जब तो खाना मिलेगा। तो ये देखो दोनों भाभी के कलश रखे हैं, दोनों फोटो है माता रानी की और सामान है। बहुत देर चांद का वेट किया नहीं निकला, तो फाइनली भाभी ने सोचा कि पूजा की तैयारी की जाए, तो वो पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो ये लोटे हैं छोटे छोटे से, तो इनमें सीख लगी हुई है, जो इनसे पूजा होती है, चांद को देख के इनसे पूजा की जाती है। तो ये आगे देखना आप कैसे पूजा की जाती है। तो अभी यहाँ पे ये दोनों भाभी मेरी पूजा करेंगी, तो अभी बड़ी कर रही हैं, अब छोटी भी आ गई हैं, दोनों साथ में पूजा करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे चांद को देख के। चांद तो खैर निकला नहीं है, लेकिन फिर पूजा होगी। पूजा होने के बाद यहाँ से हम छत पे जाएंगे, तो देखो भाभी जाएंगी। फोटो नहीं खींच रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो ये देखो पत्नी वरता पति, गौर से देखो इस पत्नी वरता पति को, पता नहीं हमें मेरे ऊपर घेरा, भाभी के ऊपर घेर, भाभी के ऊपर घेर। ये देखो ऐसा लग रहा है व्रत भाई ने रखा और भाभी व्रत खुलवाई, थाली लेके कर। ये देखो यहाँ पे चांद बने हुए हैं, ये सबकी थालियां रखे, थाली रखो ना, कहाँ रखोगे इसमें, अरे ये कागज उड़ गया। फोन मत गिरा दियो, राइट हैंड से घूमना, देख ले आंटी खड़ी हो, देख लो तो जाओ, गली नहीं रही मेरी यार, सी फोटो भी खींच के ला दो ना, खाली वीडियो बना रही है, भाई ना मजाक उड़ा रहा हूँ। डिजिटल इंडिया है बेटा, ये हंस रहे हो तुम लोग, है पड़ोसी हो बच्चे, हंस रहे हो ये नई ट्रिक अजमा रहे हैं लोग, अरे मैं चांद को देख एक कुआ।
करवा चौथ पे भाभी कल आवे को राखी बोल रही है, राखी बांधने के बाद क्या करेंगे? ये यहाँ साल में एक दिन तो है। ये फोन में देख के व्रत खुला है। डिजिटल जमाना, डिजिटल जमाना, डिजिटल। ठीक है ठीक है, एक एक साड़ी मीशो से मंगाएंगे तुम्हारे लिए। फोन में एक्टिविटी कुछ ज्यादा आती है। ए तन्नु ले, साफ आ रहा है इसमें, कैमरा साफ आ रहा है। ये चांद देखा जा रहा है भाई, चांद देखा जा रहा है। दिखा फोटो, चांद चांद चाहिए, फोटो खींचूंगा। फाइनली हमारी सारी पूजा हो गई, भाभी ने कर ली है, तो खाने बैठे हैं। तो अब मैं खा रही हूँ, देखो क्या, ये देखो अब भाभी अभी तो खाएंगे ना, अभी उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैं लेके आ गई। पनीर की सब्जी बनी है, ये मेरी बहन की थाली है और ये मेरी थाली है, वो थोड़ी ज्यादा खाती है ना मेरे से, उसका ज्यादा है। मैंने आपको बताया था बना है पूड़ी, पनीर की सब्जी, खीर और ये मिठाई और ये सिंगाड़ा, ये चढ़ा था प्रसाद है। मैं वो पनीर नहीं खाती, शाही पनीर नहीं खाती मैं, तो ये मटर पनीर है और ये पूड़ी है और मुझे अचार चाहिए। ये देखो ये मैं खाना खा रही हूँ, भाभी को भी टाइम लगेगा भाई को खाने में। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज कर देना, सब्सक्राइब मेरे भाई का। वही आपको लग रहा है कि कोई कमी है, प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो, बताओ मुझे, और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन प्लीज मेरी वीडियोस को देखो जरूर, आप एक बार जरूर देखो प्लीज।